तो जाते मतलब हैं। ये आप बोल रहे हो कि ये मंदिर बनने का 50 साल हो चुका होगा ना। हाँ तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं और ये देखो अपना पुराना जो घर है भाई, हमारे मम्मी पापा इधर ही रहते थे। व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है विशाल, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब आसाम रिव्यू में। और आज मतलब बोला कि भाई इतने दिन से लॉकडाउन में घर घर के अंदर हूँ, थोड़ा घूम फिर लेता हूँ। तो आपका भाई कल आ गया था दुलचरा पे, और दुलचरा मेरे एक मामा के घर में हूँ मैं। और अभी हम लोग थोड़ा घूमने फिरने के लिए निकलेंगे, और दुलचरा का थोड़ा बहुत मतलब दुलचरा में हम लोग पहले थे और मैं नहीं था, मेरे मम्मी पापा जो थे वो लोग दुलचरा से ही बिलोंग करते, और अभी तो वो लोग करीमगंज चले गए। तो एक्चुअली आज मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ, क्योंकि दुलचरा में बहुत मस्त मस्त प्लेस है भाई। तो देखो भाई, अभी हम लोग निकलने ही वाले हैं, हमारा खाना पीना तो सब अभी कुछ हो हम चुका है। निकल गए हैं भाई ब्लॉगिंग करने के लिए। और ये देखो हमारा दो छोटी बहन, ये हमारा प्रिंसी और बारहवीं बारहवीं अभी छुप गई है। तो आज भी हमारा जो स्कूटी का मालकिन है वो हमारे साथ ही है। चलो भाई, तो हम लोग चलते हैं। तो अभी मैडम को मैंने इतना तक ला के दिया, अभी वो चलाएंगी। तो चलो भाई, पहले अपना फुटरेस्ट जो है वो निकाल देते हैं। निकल गया है तो चलो। अच्छा, हमारा मैडम अभी भूली नहीं है भाई, अभी उनको याद है कैसे चलाया जाता है। चलो चलो चलो। अरे धीरे धीरे मैडम जी। तो ना ओ, तो ये देखो हमारा जो दुलसरा का जो हॉस्पिटल है, ये देखो, ये दुलचरा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है भाई। लिखा है भाई दुलचरा दुलचरा, तब देख पा रहे हो। ये तो भाई मतलब मस्ती जगह है यार। आप रोड भी देखो, और छोड़ो ज्यादा बातचीत ना करते हुए अपना यार फैमिली गाने का मजा लेते हुए भाई साहब। मेमोरी कार्ड है वो फुल हो गया था, इधर ही हमारा 30 मिनट्स लग गया मतलब मेमोरी कार्ड इस मोबाइल से उस मोबाइल पे ट्रांसफर करने के लिए। तो फाइनली हो चुका है। इसने भी बहुत अपना कुछ डिलीट कर दिया भाई, अपना पुराना यारी का बहुत कुछ था वो भी इसने डिलीट कर डाला। और क्या तो बता नहीं पाऊंगा। तो अभी मतलब हमारा इधर से और दूसरा जर्नी स्टार्ट हो रहा है। और ये देख पा रहे होगे जो मेरे पीछे जो ये सड़क है, ये एक्चुअली एक बाईपास है, और हम लोग उस गांव के रास्ते से इधर आए, और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर पे। तो चलो हम लोग अब अभी चलते हैं। स्कूल होली क्रॉस स्कूल, दुलचरा का होली क्रॉस स्कूल, और इधर से जा रहे हो कौन सा मंदिर? लक्ष्मी नारायण मंदिर। हम लोग इधर से होके अभी लक्ष्मी नारायण मंदिर पे जा रहे हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं, और ये देखो अपना पुराना जो घर है भाई, हमारा मम्मी पापा इधर ही रहते थे। और ये आप देख पा रहे होगे, ये देखो एक फील्ड का एंट्रेंस है, और इधर भाई मतलब जो दुलचरा को गेम जेम खेला होता है उधर ही सब कुछ होता है, फुटबॉल क्रिकेट विकेट सब कुछ इधर ही खेला होता है। और हालत तो कसम से यार खराब है, क्योंकि भाई क्या बताओ यार, एक तो अपना मोबाइल भी साथ नहीं दे रहा है, और आप ये आवाज, हाँ
कौन सा वाला? अच्छा वो आपको सीरी दिखाई दे रहा होगा, ये वाला क्वार्टर हमारा था और ये हॉस्पिटल है। अच्छा अभी हालत खराब है, शायद कोई रहता नहीं भी नहीं है ना इधर, रहने लायक नहीं है। तो हम लोग अभी मीट करने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हमारा पुराना जो पड़ोसी है उनको के साथ मिल गए। तो पहचान नहीं रहे भाई क्योंकि बहुत दिन हो गया अभी। अभी उन लोगों को बात करने दो और अभी मैं थोड़ा नेचर का भाई मजा ले रहा हूँ यार। इधर मतलब देखो यार सीन अलग है, मतलब शहर में अलग है और इधर जो मतलब विलेज में थोड़ा मतलब अलग ही है भाई। हमारा पास में ही जो चाय पत्ती बगान का जो मतलब फैक्ट्री रहता है उधर है, इधर पीछे ही मेरे को साउंड आ रहा है। तो अभी हम लोग उधर जा नहीं सकते क्योंकि मतलब अभी क्या है ना लॉकडाउन चल रहा है और कोविड का सीजन भी है, तो हम लोग इधर जा नहीं सकते। नहीं तो मैं ट्राई करता उधर जाने के लिए और पूरा दिखाने के लिए। तो भाई आप देख ही पा रहे होगे भाई, मेरे को तो अभी मन कर रहा है इधर लेट जाऊं क्योंकि भाई ऐसा मस्त जगह तो मैंने देखा नहीं है भाई, देखा नहीं है। क्या करते अभी हमारा जो पुराना घर है उधर थोड़ा नजर घुमा के आते कि भाई हमारा मम्मी पापा कैसे रहते थे इधर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। अरे इधर का तो हालत ही खराब है यार, है ना? ये देखो अभी ताला लगा हुआ है और पूरा टूटा फूटा है भाई। तो चलो इतना तक तो हो गया और इधर से शायद एंट्रेंस भी है लेकिन एंट्रेंस भी टूटा हुआ है भाई। टूटा मतलब क्या है, इधर जाली पूरा लग चुका है तो इधर से कोई अंदर आ नहीं सकता। और तो अभी तो हम लोगों ने अपना पुराना घर जो है वो देख चुके है हम लोग और अभी हम लोग चलते है एक मंदिर है इधर दुलचरा में, सबसे बड़ा मंदिर है जो, उसमें हम लोग जाएंगे अभी। और ये देखो मेरा ड्राइवर, आज के लिए मेरा ड्राइवर है वो चलाएगी, आज मैं ड्राइवर नहीं हूँ भाई। तो भाई अभी इधर देख पा रहे हो कि सारे पुराना जो अपना घर है ये सब यादें है भाई, लेकिन मैं इधर नहीं था तो मेरा यादें कुछ बसा नहीं है इधर। ओ माय गॉड एक क्यूट बेबी सी यार, कौन छोड़ते इसको। और हमारा एक दीदी भी है, उनका नाम गुरुदी है, हम लोग गुरुदी गुरुदी बोलते हैं। उनका भी घर इधर ही है शायद लास्ट में, हाँ यही है ना। अच्छा हम लोग छोड़ के आ गए। फिर देखो भाई इलेक्ट्रिक का जो ट्रांसफॉर्मर कितना बड़ा बड़ा भाई। ऐसे ही मेरे एक मामा जी भी है, वो करीमगंज रहते हैं, उनका भी ऑफिस ऐसा ही है भाई, लेकिन हम लोग जा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा जो मामा जी है अभी वो ड्यूटी पे नहीं है, छुट्टी के ले गए हुए हैं, तो हम लोग अभी जा नहीं सकते। और इधर देखो भाई साहब एक और मतलब एक तो नहीं है बहुत, हाँ ये लोकल के लिए भाई, ये लोकल के लिए क्योंकि तो फाइनली हम लोग उस मंदिर पे आ चुके हैं और देख ही पा रहे होगे कितना पुराना मंदिर होगा। कितना पुराना मंदिर होगा ये रे? बहुत पुराना, मतलब कितना साल? अच्छा अभी तेरा कितना उम्र है? पता नहीं। तो ये जब छोटी थी तब इसका ये मतलब ये मंदिर पे आई थी, उससे पहले का है। तो अभी आप देख पा रहे हो और मंदिर का अंदर का जो ये देखो यार, अभी ये नया हुआ है ना, हाँ वो भी पहले से ही है भाई, इसका जन्म से पहले का ही है ये। और ये सच्ची में बोलते हैं, लड़की अपना एज नहीं बोलती, आज प्रमाण भी हो गया भाई। लिखा होता कि मतलब कितने साल में ये मंदिर बना हुआ है लेकिन मेरे को ये मिल नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ कि ये मंदिर कब का बना है। हाँ लिखा नहीं है किधर? लिखा तो होगा ना किधर कि कौन सी गीता पे लिखा हुआ है। अभी दो भैया मिले लोकली वो, तो उन लोगों से मैं पूछ लेता हूँ कि मतलब ये मंदिर कब बना था। तो भाई आपका नाम?
बता दीजिए पहले। मेरा नाम है ध्रुवजीत पाल। अच्छा ध्रुवजीत पाल, और आपका? मेरा नाम सत्यजीत सिंह। सत्यजीत सिंह, तो मैं भाई लोगों से मैं पूछ लेता हूँ कि ये मंदिर कब बना था, क्योंकि मेरे को भी मालूम है ये मंदिर बहुत पुराना है, लेकिन ठीक तरीके से मेरे को भी मालूम नहीं कितना पुराना है। तो मैं भैया से पूछा, तो भैया ये मंदिर जो है कितना पुराना होगा? मतलब ये मेरे को मालूम है मेरे जन्म से पहले का ये मंदिर, तो कितना पुराना होगा? नियर अबाउट लगभग 50 ईयर्स हो गया इसका। अच्छा 50 ईयर्स हो चुका है ना इस मंदिर का। अच्छा, और ये मंदिर बनवाया था ये जो पहले दुलप टी प्लांटेशन का जो मालिक थे। अच्छा, वो जो मतलब चाय पत्ती बगान का जो मालिक थे। तो वो कोठारी कंपनी पहले था। अच्छा अच्छा, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था पहले। अच्छा अच्छा, अभी तो चले गए, अभी विष्णु टी इंडस्ट्री है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब आप बोल रहे हो कि ये मंदिर बनने का 50 साल हो चुका होगा ना, मतलब ये हाफ सेंचुरी हो चुका है। आप सोच पा रहे होगे कि 50 साल हो चुका है ये मंदिर में, मंदिर बना हुआ है, और अभी भी मतलब ये तो अभी रेनोवेशन हुआ है ना, अभी ये नया करके फिर से बनाया गया था ना, इसको तोड़ के, मतलब तोड़ के नहीं, मतलब इसको थोड़ा नया हुआ है, बस मेंटेनेंस होता है। अच्छा मेंटेनेंस होता है। वैसे वो जो अभी अभी ये जो मतलब ये जो पिलर है वो ऐसे ही पहले से ही था ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, अभी सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत रंग वंग ये चलाया जाता नहीं, है। इसमें रंग चढ़ाना नहीं पड़ता है। इसमें तो नहीं, मतलब वो बाकी है। हाँ, तो आप सोच पा रहे होगी कि ये जो पिलर मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे, एक्चुअली ये जो पिलर है ये 50 साल से ऐसे ही है भाई, और पूरा मंदिर में ऐसे पिलर बहुत सारे हैं, लेकिन इस पिलर में रंग नहीं चला सकता, क्योंकि इधर ये जो पिलर है ये कौन सा पत्थर, मार्बल पत्थर ना, हाँ मार्बल पत्थर से बना हुआ है, और बाकी जो ऊपर का आप देख पा रहे हो ये जो है ये रंग हो जाता है, क्योंकि ये सीमेंट से बना हुआ है। तो थैंक यू सो मच भैया आप लोग बताने के लिए। देखा कि भाई 50 साल पुराना ये जो मंदिर है, इधर हम लोग आके गए, और मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि आओ यार देखो कि 50 साल पुराना ये मंदिर भी भाई मतलब बढ़िया है, बढ़िया है। अभी भी आप देख पा रहे हो कि पूरा चकाचक ये बन के, अभी भी मतलब दर्शन के लिए अभी भी आप आ सकते हो, और दुलचरा में है ये, मैं फिर से बोल देता हूँ, ये दुलचरा में ही है, तो आके आप कर सकते हो। 3 hours later हम आए इन मैडम की जो ये देखो आप स्कूल दिखाई दे रहा है, ये मैडम इसी स्कूल का स्टूडेंट है। मैंने जो आप लोगों को मैंने बताया था कि इधर एक चाय पत्ती बगान है, और चाय पत्ती की जो जिधर मतलब प्रोसेसिंग होती है ना, तो इधर ही है इस साइड से, वो चाय पत्ती का जो मतलब प्रोसेसिंग प्लांट है उधर ही है, लेकिन हम लोग इधर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, और शूट करने के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा, तो हमारे पास ना टाइम नहीं। तो आप इधर से ही देख लो कि इधर हो रहा है प्रोसेसिंग, आपको थोड़ा बहुत आवाज भी सुनाई दे रहा होगा। तो अभी हम लोग घूम फिर के फिर से आ चुके हैं, तो दुलोचरा मेन बाजार है उधर, और मैं आपको दिखा दूँ, सामने ही एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक सबसे बड़ा स्टैचू है, और यही मतलब क्या बोलते हैं इधर का सबसे बड़ा आकर्षण है दुलोचरा का। ये देखो आप जैसे वीडियो में देख पा रहे होगे, और अभी हम लोग जा रहे हैं दुलचरा स्टेशन देखने के लिए। तो भाई सब कुछ घूम लिया, फिर आखिर में स्टेशन नहीं देखेंगे तो क्या मज़ा ही क्या है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो दुलचरा स्टेशन है, सिलचर टू दुलचरा एक ट्रेन होता है, और दुलचरा जो होता है वो आखिरी स्टेशन होता है, और फिर से दुलचरा होके सिलचर वो रिटर्न हो जाता है, तो मतलब सिलचर से दुलचरा तक ये आखिरी स्टेशन है। लिए हम लोग ऑफ रोडिंग करते हुए दुलोचरा स्टेशन पे आ चुके हैं, और ये देखो दुलोचरा स्टेशन का जो बोर्ड, देखो 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 देखो, और जैसे मैंने कि बोला था यही आखिरी स्टेशन होता है। और तो अभी हम लोग दुलोचरा पे स्टेशन पे है, एक्चुअली हम लोग गलत रास्ते पे आ गए, और रास्ता दूसरी तरफ तो मेरे को मालूम नहीं था, मेरे को एक ही रास्ता मालूम था, और इसको तो मालूम ही नहीं था किधर से आना है, तो हम लोग उधर से चले आए, और दिखा देता हूँ आपको स्टेशन कैसा है। ये देखो हमारा दुलचरा स्टेशन,
वो देखो उधर एक्चुअली अभी क्या है ना, मतलब ये जो लिखा है ना दुलचरा रेड कलर का, वो सब सारी स्टेशन पे लग चुका है मालूम है। सिलचर में भी है, करीमगंज में शायद लगने वाला है, और बाकी बाहर बाहर का जो स्टेशन है वो देखो हम तो देखा ही है भाई लगा हुआ है। और वेदर भी भाई मस्त है यार। और अभी जो मतलब आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा या नहीं मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मैंने आज माइक यूज़ नहीं किया है। तो जो अभी हवा चल रहा है ना, ये देखो इस मैडम को देखो, इसका बाल कैसे उड़ रहे तो मस्त सा हवा चल रहा है भाई। और लोग भी है, दो तीन चार लोग है, लॉकडाउन है इसलिए ज़्यादा लोग नहीं है, नहीं तो अभी जो टाइम है वो स्टेशन का टाइम रहता है, मतलब ट्रेन का टाइम रहता था, तो इधर लोग बहुत लोग आते थे, तो आप देख पा रहे हो मतलब मस्त है यार, स्टेशन वेशन सब कुछ मस्त है। हमारा ब्लॉग इतना तक ही था, और क्या बताऊँ, आज का दिन मस्त था भाई। और मैंने मतलब पहली बार दुलचरा आया और इतना घूमा, और फिर मैंने 50 साल पुराना अपना जो मंदिर है वो भी देखा। तो मिलते हैं दूसरी ब्लॉग में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सब लोग सेफ रहो, और कोविड का टाइम है भाई मास्क पहनते रहो, और मास्क पहनते मत, सिर्फ मास्क पहनते ही मत रहो, सैनिटाइजर यूज करो, साबुन का भी यूज करो, और भाई घर से कम निकला करो और भीड़ वाले इलाके में कम जाया करो। हम लोग भी अभी 2 ही लोग हैं, ये घर में ही रहती है ना, तो मैं निकल पा रहा उसके साथ क्योंकि उसको कोविड नहीं है मेरे को मालूम है, तो ऐसा मत किया करो। और मिलते हैं दूसरी ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सत श्री अकाल जी, तड़ा।